Hi people, welcome to my channel, and in this video I'm going to talk about seven most important things that you must study if you're studying any writer for UGC NET English exam. Now the first very important thing that you must study is the age in which that writer is writing. किसी भी राइटर को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी एज के बारे में पढ़िएगा. डायरेक्टली टेनिसन को पढ़ेंगे, टेनिसन के वर्क समझ नहीं आएंगे. आप रट लेंगे बट आपको समझ नहीं आएगा. सिमिलरली आप अगर रेनेसा पढ़ रहे हैं, आपने रेनेसा के पॉलिटिकल चेंजेस को स्टडी नहीं किया, तो क्या आप समझ सकते हैं? आप किंग लियर, आप क्रिस्टोफर मार्लो का, डॉक्टर फॉस्टर समझ पाएंगे? उसकी गहराई तक जा पाएंगे? उसे नेट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाएंगे? आई डोंट थिंक सो. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़े. पॉलिटिकल बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल रेनेसा का अगर हम देखें तो यू नीड टू नो अबाउट व्हाट वाज द ट्यूडर पीरियड, व्हाट वाज द ट्यूडर डायनेस्टी फॉर दैट मैटर. रिफॉर्मेशन हुआ था ट्यूडर डायनेस्टी के पीरियड से थोड़ा सा पहले. सो रिफॉर्मेशन की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा पॉलिटिकली? मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स कौन थी? उसे ब्लडी मैरी क्यों बोला जाता था? देन यू नीड टू स्टडी अबाउट क्वीन एलिजाबेथ ऑफ कोर्स. उससे पहले वी नीड टू स्टडी अबाउट हेनरी द एथ एंड द सिक्स वाइव्स. सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू स्टडी. उसके बाद ही आप रेनेसा के लिटरेचर को अप्रोच कर सकते हैं. बट सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड भी आप पढ़ें. विक्टोरियन एज में वुमेन को कैसा ट्रीटमेंट मिलता था? अगर आप एक वुमेन है तो हाउ आर यू सपोज टू बिहेव ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड? अगर ये आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं आप जॉर्ज एलियट की मिलन द फ्लॉस बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. मैगी चिलेवर के साथ क्या हुआ आप समझ पाएंगे. ओके, एंड आपके लिए चीजें याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं वो माइंड में वो इंटरलिंक्स बनते रहेंगे. आपको बस ये देखना होगा, अच्छा ये राइटर, इसका ये वर्क रिटन इन दिस पीरियड. आपको आधी चीजें तो वैसे ही समझ आ जाएगी. ओके, ऑल्सो एट द सेम टाइम जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उस टाइम के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोमांटिक मूवमेंट की बात करें तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था. देन फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज एट पीक. ऑल्सो इट वॉज ओनली ड्यूरिंग दैट पीरियड की रिंग ऑफ टेरर हुआ, नेपोलियन केम. ऑल्सो इट वॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड चार्टिस्ट मूवमेंट चला. चार्टिस्ट से पहले रिफॉर्म बिल, 1832 का रिफॉर्म बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीजें आपको जब समझ आएगी तभी आप एक राइटर को अप्रोच कर पाएंगे. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक यू टू स्टडी बिफोर स्टडिंग एनी राइटर इज द एज इन विच दैट राइटर इज राइटिंग. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट स्टडी इज द बैकग्राउंड ऑफ द राइटर. फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड का क्या इम्पैक्ट होता है, विलियम ब्लेक को जब पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे. कहीं ना कहीं विलियम ब्लेक की जो स्कूलिंग हुई है वो ड्राइंग स्कूल में पढ़ता था, एंड देन उसके साथ में ही हैड दिस कॉपी प्रिंट्स का काम उसने किया है अपने बचपन में. तो आप उसके वर्क्स को देखेंगे तो दे आर इलस्ट्रेटेड. ये चीज आपको तभी समझ में आ पाएगी जब आपने विलियम ब्लेक की बायोग्राफी को स्टडी किया है. एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन राइटर्स को बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हुए. ओके, फॉर एग्जाम्पल कीट्स ने अपने बचपन में ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर पढ़ा. सो जिस वजह से कहीं ना कहीं कीट्स के आप सारे वर्क्स में देखिए, एंजमिन, लामिया, ईव ऑफ सेंट एग्नीस, बहुत ज्यादा रोमन रेफरेंसेस हैं. एट द सेम टाइम इमानुअल स्वीडनबर्ग का जो इन्फ्लुएंस है वो ब्लेक पे बहुत ज्यादा है. दिस वाज अ क्वेश्चन आल्सो इन द नेट एग्जाम की ब्लेक पे किन किन राइटर्स का इन्फ्लुएंस हो चुका है. सो यू नीड टू स्टडी द एज first thing. Then when you are coming to the biography, the biographical information about that writer, you need to look at the childhood period. Influences kya kya hue, koi major important event hua life mein jisne life ko ek bahut turning point diya. Also at the same time agar hum latest literatures pe aaye to hum dekhenge awards bahut important hai. Us writer ko kya kya award mila hai, Nobel winner hai, Booker prize mila hai, White Britt award mila hai, agar Indian hai to you know Sahitya Academy and all that stuff. At the same time aapko dekhna hoga agar usne kuch bahut important acche famous quotes bole. For example Oscar Wilde, okay, I love that quote, you know, which Oscar Wilde once said that we all are in gutter but some of us are looking at the stars. Now this is a very famous line by Oscar Wilde. Aapko yaad rakhna hoga ki Oscar Wilde ne boli. Also at the same time it's important ki in writers ke naam inko kya tags diye gaye ye aap yaad rakhe. Jaise ki जॉर्ज एलियट, मैरियन एवान, देन वी हैव जॉर्ज ऑरवेल, एरिक आर्थर ब्लेयर. अगर हम बात करें शेली की तो शेली को सेज ऑफ हाईगेट बोला जाता था. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू आर लुकिंग एट द बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट राइटर. सो अभी तक दो पॉइंट्स कवर हो चुके हैं. नंबर वन इज द हिस्टोरिक और द पॉलिटिकल एंड द कल्चरल सोशल बैकग्राउंड. एज के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है. इन द सेकेंड पॉइंट यू नीड टू रीड अबाउट द राइटर्स बायोग्राफी एंड ऑल द मेजर इन्फ्लुएंसेस व्हिच वर देयर ऑन द राइटर.
Now, the third important thing that you must study is the critical comments. See, literature itna interlinked hai and sare jo writers the, they were actually reading the previous writers. Jo writers unse pehle likhte the, unko kafi writers padha karte the. Jiski wajah se they kept on, you know, sharing their critical views about the writer. For example, agar hum wapas se Blake ki baat karein, so Blake ne Milton ke baare mein ek bahut strong statement boli hai ki Milton belongs to the devil's party without knowing. ओके सिमिलरली हम जॉनसन को देखते हैं तो जॉनसन ने शेक्सपियर के ऊपर पूरा क्रिटिसिज्म लिखा है सो काफी बार उसने शेक्सपियर के बारे में उसके अलग अलग वर्क्स के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करें ऑल्सो एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि एक राइटर ने दूसरे राइटर के किसी वर्क को स्टडी किया है ओके सो यू नीड टू नो ऑल द क्रिटिकल कॉमेंट्री दैट हैज You know, that is happened on that writer. या तो उस writer ने बोला है या उस पर बोले गए हैं So that is important because net में क्या होता है usually they'll give you a quote and they'll say कि who said this for whom and then they'll give you the options. So आपको पता होना चाहिए ऐसा नहीं है कि बहुत typical quotes देते हैं prominent देते हैं आप थोड़ा सा अगर research करेंगे आप अगर ढंग से अपने notes prepare करेंगे एक ही जगह आपको सब कुछ नहीं मिल जाएगा मैंने भी जब एक writer के बारे में मैं notes बनाती थी तो for biography I used to refer to some other website उसमें भी मुझे किसी website में कोई information मिलती थी किसी में कोई मिलती थी because कोई भी चीज main net की you know तैयारी में problem यही आती है friends की एक जगह मटेरियल अवेलेबल नहीं है आपको लाइक मुझे अभी भी याद है कि मेरे बुक मार्क्स में इतने पेजेस हो गए थे टिल द टाइम आई एंडेड अप विद माय प्रिपरेशन कि कहीं ना कहीं मेरे कॉन्टैक्ट्स में इतने कॉन्टैक्ट नहीं थे जितने नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास बुक मार्क हो गए थे मैंने इतनी अलग अलग साइट से पढ़े थे सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो द थर्ड थिंग इज द क्रिटिकल कॉमेंट्स यू नीड टू रीड दोज कॉमेंट्स और उसके साथ साथ आप ये भी देखिएगा कि क्या उस राइटर ने कुछ एसेज कुछ अलग से कोई क्रिटिकल वर्क लिखा है फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें चिन्मानंदा नगोजी अधीचे के सो वी फाइंड आउट कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है क्रिटिकल वर्क विच इज कॉल्ड वी ऑल मस्ट बी फेमिनिस्ट ओके सो ये बहुत रेयरली नोन चीज है सो ये आपको तभी आ पाएगी जब आप क्रिटिकली उस राइटर को देखेंगे क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस राइटर को देखेंगे ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट यू कैनॉट प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट विदाउट नोइंग द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्क ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट राइटर गाइज रिमेंबर दिस थिंग मतलब छाप लीजिए अपने दिल और दिमाग में कि उस राइटर का पहला वर्क और उस राइटर का आखिरी वर्क आपके टिप्स पे होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगेन लेट्स टेक अधीचेज एग्जाम्पल ना द फर्स्ट वर्क वॉज पर्पल हाइबिस्कस वेरी लेसर नोन हम सबको यू नो हाफ ऑफ अ येलो सन पता है हम वही डिटेल में पढ़ते हैं बट नेट में क्वेश्चन आ चुका है पर्पल हाइबिस्कस इज अ वर्क बाय ना ये क्यों आया यही क्वेश्चन क्यों आया बिकॉज पर्पल हाइबिस्कस वॉज द फर्स्ट वर्क एंड नेट वाले ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं इंग्लिश में तो एटलीस्ट यू शुड नो दीज प्रोमिनेंट वर्क्स ओके चाहे आपको समरी नहीं पता हो आपको एटलीस्ट नाम तो पता हो ऑल्सो एट द सेम टाइम लास्ट वर्क अमेरिकाना ये आपको पता होना चाहिए देची का वर्क सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर सो हमने अभी तक फोर पॉइंट्स लिए आई कीप ऑन रिमाइंडिंग यू द पॉइंट्स बिकॉज ये चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए आप कोई राइटर पढ़े तो आपके दिमाग में ये सेवन पॉइंट्स चलने चाहिए कि ओके आई हैव कंप्लीटेड द एज नाउ आई हैव कंप्लीटेड द बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन आई हैव कंप्लीटेड द क्रिटिकल कॉमेंट्स आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्क नाउ कम्स द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज रीडिंग द मेजर वर्क्स इन डिटेल नाउ डिटेल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स जनरली अवॉइड करते हैं या उनकी नजर से निकल जाती है दे स्किप दोस थिंग्स एंड दे आर बीइंग आस्क्ड सिर्फ समरी याद कर लेने से या समरी को दो बार रीड कर लेने से यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट वर्क इट्स इंपॉर्टेंट कि उसके कई कई स्पेशल एस्पेक्ट्स पे आप नजर डालें उसके लिए आई मेड अ सेपरेट वीडियो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो वेयर इन आई टॉक्ड अबाउट सेवन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर व्हेनेवर यू स्टडीइंग एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एन ऑथर ओके नेक्स्ट द सिक्स्थ पॉइंट इज रीडिंग द माइनर वर्क्स नाउ माइनर वर्क्स में बहुत ट्रिकी चीज है क्योंकि यू नो आप मेजर वर्क्स इतना डिटेल में पढ़ लेते हो कि माइनर तो आपको टाइम ही नहीं बचता एंड माइनर वर्क से दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस पहले व्हेन वी यूज्ड टू हैव पेपर थ्री सो माइनर वर्क से मोस्टली पेपर थ्री में क्वेश्चंस आते थे बट नाउ सिंस दे हैव यू नो स्किप्ड पेपर थ्री एंड नाउ वी जस्ट हैव वन पेपर दैट इज पेपर टू फॉर इंग्लिश लिटरेचर सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पेपर टू में भी सिलेबस नहीं बदला है फ्रेंड्स आई हैव सीन दिस थिंग यू नो हैपनिंग ऑल अराउंड मी कि एवरीवन इज स्प्रेडिंग ह्यूमर्स कि पेपर टू ऐसा हो गया है अब सिलेबस चेंज हो जाएगा गाइस समझिए नेट का एग्जाम जो है दैट इज बेसिकली टू टेस्ट योर नॉलेज
on the basis of the graduation and the post-graduation time. Though, वो उससे अलावा बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं जो हमें graduation, post-graduation में सुनी भी नहीं थी. But still, उनके दिमाग में ये है कि हमें एक बच्चे को इन दो क्राइटेरिया पे ही टेस्ट करना है कि उसने graduation and post-graduation में क्या पढ़ा या उसको अपनी subject की कितनी knowledge है. तो चाहे दो paper हो चाहे पांच paper हो, आपसे पूछा तो वही जाएगा. पहले आपको दो parts में देने होते थे, 125 questions होते थे. Now the questions have been reduced to 100. Okay, but 100 questions के लिए भी पढ़ना तो वही है ना. ऐसा तो है नहीं कि English literature के paper में ये लोग French के question आपको दे देंगे या English literature में sociology के question दे देंगे. देंगे तो literature ही, और literature के देंगे तो जो भी चीज अभी तक दे रहे हैं उसके अलावा actually French कुछ और है ही नहीं. वो और कुछ नहीं डाल सकते. That is the thing. They cannot reduce anything and they cannot add anything. Okay, add anything as a जो मेजर स्ट्रक्चर है. हाँ, कई राइटर्स ऐड हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि यूरोपियन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल, इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन के अलावा वो कुछ और मार्स से कोई लिटरेचर ले आएंगे. मार्स जुपिटर पे अभी तक तो संभावना नहीं है कि लोग आए हैं. अगर आ जाएंगे तो ये लोग वहां से भी डालेंगे. बट देन दैट इज समथिंग विच इज अ केस वील सी इन मे बी प्रोबेबली इन 2050. तो हम तब तक का वेट कर लेते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. वी वर टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज लुकिंग एट द माइनर वर्क्स बाय दैट राइटर. नाउ माइनर वर्क्स में गाइस जीबी शॉ की अगर हम बात करते हैं तो हम सबने कहीं ना कहीं आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा पढ़ा है. बट क्या हमें पता है कि विडोअर हाउस करके एक वर्क, एक प्ले जीबी शॉ ने लिखा है, या फिर हार्ट ब्रेक हाउस करके एक प्ले जीबी शॉ ने लिखा है. सो ये माइनर वर्क्स है, जो लेसर नोन वर्क्स है, जो कहीं ना कहीं वो लोग डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट देन एटलीस्ट यू शुड नो द टाइटल. दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ, अगर उस बुक के ऊपर कोई कॉमेंट्री है या उस बुक के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट यू नो रेफरेंस बेस्ड है तो आपको वो पढ़ना होगा. बट उसके अलावा यू डोंट नीड टू गो इन टू द समरी, बिकॉज समरी एंड डिटेल स्टडी के लिए मेजर वर्क्स है. ओके, माइनर वर्क्स को बहुत सरफेस लेवल पे हमें टच करना है, बट हम अवॉइड नहीं कर सकते. ओके, एंड फाइनली वी लर्न ऑन टू द सेवेंथ पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई कीप ऑन रिवाइजिंग. प्रीवियस ईयर पेपर्स, हर राइटर के प्रीवियस ईयर पेपर्स की लिस्ट बनाइए. सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक जगह नोट डाउन करिए एंड फिर देखिए कि क्या ऐसी चीज है जो मैंने अभी भी इन सिक्स पॉइंट्स में भी कवर नहीं करी. बिकॉज ऐसी बहुत सारी माइनर चीजें होंगी जो शायद यू नो आई डोंट नो वो लोग कहाँ से पूछते हैं. मतलब शायद ऐसा होता होगा कि जब कमिटी बैठती होगी पेपर सेट करने के लिए तो किसी हर को उठा के ऐसे पूछा जाता होगा कि तुम एक ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ दुनिया में तुम्हें पता है और किसे नहीं पता, वो हम डालेंगे पेपर में. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल कम अंडर सेवेंथ पॉइंट, बिकॉज जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या माइन्यूट चीजें अभी भी रह गई. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान आउट फॉर ईच एंड एवरी राइटर. आई होप दिस वीडियो हेल्प. डू शेयर इट विद अदर नेट एस्पिरेंट्स एज वेल, बिकॉज नेट के टाइम मैं खुद स्ट्रगल करी थी बहुत ज्यादा. मुझे एक स्ट्रैटेजी नहीं पता थी, मैंने बहुत गलतियां करी. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड कि एटलीस्ट मेरे साथ या मेरे बाद वाले जो लोग नेट दे रहे हैं उन लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिले. सो डू शेयर इट विद अदर पीपल, लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज टुमारो आई बी अपलोडिंग वन वीडियो ऑन व्हाट आर द सेवन मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हेन यू आर रीडिंग एनी मेजर वर्क. Okay, so I hope this helps. Also, go to my website www.arpitakarwa.com. You will find the entire list of all the writers that you need to cover. Har writer ko is perspective se padhiyega jo maine abhi share kiya. Agar aap itni mehnat karne mein interested nahi hai, so you can go and you know enroll for my online audio course. Har writer ko isi strategy se main padhati hu apne online course mein. And also, if you want to know about anything about the online audio course, you can give me a call on the number displayed. As well as you can like my Facebook page, because we are running this Go Net quiz every day wherein I'm posting important questions from Net point of view. So, sayonara, bye-bye and see you tomorrow.